हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा क्लास 9 साइंस वर्कशीट 18 अगस्त द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं, वी नो कि सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन वो सेल के लिए क्या काम करता है? लिविंग बींग के लिए वाटर लाइफ प्रोसेस डज ए सेल डू? ज्ञान, जैसा आप जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशल ट्रेट्स होती हैं, जैसे कि वो ग्रो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, इनहेल रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं। ये सभी के सभी जो प्रोसेसेस हैं, ग्रोथ, एक्सक्रीट, इनहेल, एक्सहेल, ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं। और ये सब के सब किससे करते हैं? सेल से करते हैं, सेल के ऑर्गेनेल से हम लोग करते हैं। सेल इज़ एबल टू परफॉर्म फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल। हर सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसने पूछा कि दीदी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? तो ज्ञान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहर की परत होती है, जिससे सेल के अंदर चीज़ों को एंट्री या सेल के चीज़ों को बाहर जाने की, सेल से चीज़ों को बाहर जाने के लिए जाने की परमिशन मिलती है, एंट्री और एग्जिट, इन एंड आउट ऑफ सेल। कुछ ही मटीरियल इसमें से पास कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे O2, CO2, वाटर, ये एंटर और एग्जिट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। O2, CO2 न्यूट्रिएंट कैसे आ सकते हैं बेटा? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से। मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, अगर चीज़ें हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आए। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन में से कोई चीज़ डिफ्यूज करती है तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या? अगर वाटर डिफ्यूज करता है तो। तीन तरीके से हो सकता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन जो है उसके पास मोर वाटर हो सेल से, यानी कि ये अगर मेरा सेल है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, तो इसके बाहर जो अपने बी कंपोनेंट रखा है वाटर का सॉल्यूशन, उसके अंदर वाटर का सॉल्यूशन, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हाई टू लो फ्लो करेगा और सेल क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। अगर बराबर हो तो कोई चेंज नहीं होगा। और अगर इसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो और सेल की ज़्यादा हो तो वापस रिवर्स डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगा, और इसको हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। ठीक, जो आपको यहाँ दिखाया भी गया है कि आइसोटोनिक में सेल में कोई बदलाव नहीं, हाइपोटोनिक में स्वेल और हाइपरटोनिक में श्रिंक कर रहा है सेल। प्लांट के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल भी होती है। जब प्लांट वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस से तो सेल कंटेंट श्रिंक हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, जब हाइपोटोनिक सेल कंडीशन रखी जाती है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला क्वेश्चन, तो आप इसमें ये आंसर लिखेंगे। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो उसमें आप ये लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। विच पार्ट ऑफ सेल इज परमेबल, तो कौन सा पार्ट ऑफ सेल परमेबल होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या सेल मेम्ब्रेन। व्हाट चेंजेस विल अकर इन रेजिन एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाई? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होंगे? ये स्वेल अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? स्वेल अप। सेल स्वेल्स अप, तो भाई क्यों? ड्यू टू मोर वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। रेजिन एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे स्वेल अप ड्यू टू हायर वाटर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस।